Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. अगर आपकी बिल्डिंग की थ्रू आउट लेंथ अगर आपका 45 मीटर से ज्यादा होता है आपको एक एक्सपांशन ज्वाइंट प्रोवाइड करना पड़ता है। नमस्कार आप लोगों का, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी एक ऐसे चीज़ के बारे में जो कि आपकी बिल्डिंग में यूज किया जाता है और ये जनरली छोटे छोटे बिल्डिंग में देखने को नहीं मिलता। तो ये क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। वो है मेरा, जैसे यहाँ मेरा बिल्डिंग है और ये थ्रू आउट बिल्डिंग है और यहाँ पे सामने से मैं अगर इधर में सुन चलूँ तो इधर भी थ्रू आउट बिल्डिंग है और इस साइड में चलूँ तो यहाँ भी मेरा थ्रू आउट पूरा का पूरा बिल्डिंग है। जब इस बिल्डिंग में है, जब मैं ये वाला बिल्डिंग से मैं दूसरे बिल्डिंग की तरफ चलता हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखाई देती है, वो है मेरा ये चीज़। अब ये मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से देखो थ्रू आउट पूरा नीचे के नीचे दिख रहा और जैसे जैसे मैं सामने से चलूँ तो देखो ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा। मतलब अगर मैं ऊपर स्लैब की बात करूँ तो देखो कहीं ना कहीं ये स्लैब में भी पूरा एक लाइट आ रहा है, ये बीच में पूरा खाली है पूरा स्पेस। तो ये क्या चीज़ें हैं, क्यों बिल्डिंग के बीच में दिया गया, दोनों को बिल्कुल एकदम अलग कर दिया गया। देखो जैसे यहाँ पे कॉलम है और ये सामने वाला कॉलम और इधर का ब्रिक वर्क है और इधर में आया हुआ इधर का स्टेयर केस वाला पार्ट है और इधर ब्रिक वर्क है, इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा गैप है। तो ये गैप है कि क्यों दिया जाता है, कैसे है गैप, आखिर इस पूरी लेंथ में जो हमारा बिल्डिंग है एक ही बिल्डिंग को क्यों अलग किया गया, क्यों डिवाइड किया गया, क्या रीज़न है इसका और कौन बोलता है आपको इस तरीके से डिवाइड करने के लिए। सबसे मैं पहले बता दूं आपका आईएस कोड 456/2000 में आपको दिया हुआ है एक पॉइंट एक्सपांशन ज्वाइंट के बारे में। अगर आपकी बिल्डिंग की थ्रू आउट लेंथ अगर आपका 45 मीटर से ज़्यादा होता है आपको एक एक्सपांशन ज्वाइंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम जिस बिल्डिंग पे हैं, जिस साइट पे हैं, इसकी लेंथ हमारी 45 मीटर से ज़्यादा है थ्रू आउट। आपके पीछे से लेके आपका मैं सामने दिखा दूं एक बार तो सामने कुछ इस तरीके से है, लेंथ बहुत दूर तक गई भी और हमारा पीछे कुछ इस तरीके से है। तो इसकी जो टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इसका लेंथ हमारा 45 मीटर से ज़्यादा है, जिसके कारण कि हमारे इस बीच में एक एक्सपांशन ज्वाइंट दिया गया है। ये बीच में हमारा एक एक्सपांशन ज्वाइंट है थ्रू आउट पूरा का पूरा बिल्डिंग में प्रोवाइड कराया गया है। अब ये चीज़ तो आपके आईएस कोड 456 ने बताया और इसी को आईएस कोड जो कि आपके कोड ऑफ प्रैक्टिस जॉइंट्स के बारे में पूरा गिवन है आईएस 3414 में दिया हुआ है कि अगर आपकी बिल्डिंग की लेंथ अगर 30 मीटर हो तो वहाँ पे भी आपको एक एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस जॉइंट में दिया हुआ और आपके आईएस कोड में जो दिया हुआ है वो आपका अगर 45 मीटर से ज़्यादा होगा तो उसके बेसिस पे आपको एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करना है। तो ये एक्सपांशन जॉइंट क्यों प्रोवाइड करना है, कहाँ प्रोवाइड करना है ये पता चल गया, लेकिन क्यों प्रोवाइड करना है ये नहीं। तो इसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, क्यों प्रोवाइड कराया जाता है। ये जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा होगा ना, एक्सपांशन मतलब अगर किसी भी चीज़ में अगर फैलाव हो रहा होगा तो वहाँ पे उसके कारण प्रोवाइड कर रहा है एक्सपांशन, इसका नाम ही एक्सपांशन जॉइंट। तो आपकी जो इतनी थ्रू आउट लंबी बिल्डिंग है, अगर इस बिल्डिंग में आपकी जो हीट के कारण, अगर मैं थर्मल के कारण बोलूँ कि इसमें जो मूवमेंट्स आते हैं, जो आपके चेंजेस आते हैं, जो स्ट्रेस पैदा हो जाता है कि एक्सपांड मतलब ये फैलने की कोशिश करता है, तो अगर ये थ्रू आउट एकदम लंबी सी बिल्डिंग है अगर अगर इसमें एक्सपांशन का केस आ गया थर्मल या हीट की वजह से तो क्या होगा, ना इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। लंबी सी बिल्डिंग है तो ये फैलने की कोशिश करेगा तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। जैसे आप इसके ऊपर में फ्लोरिंग का काम करोगे तो फ्लोरिंग में भी अगर हमने थ्रू आउट बिछा दिया तो क्या होगा ना कहीं क्रैक्स डेवलप होगा, जैसे कि आपकी हीट के कारण, आपका जो थर्मल जो चेंजेस होने के कारण जो आपके पैदा होते हैं ताकि वो एक्सपांड करे, तो वो केस ना हो जिसके कारण वो हमारा एक्सपांड करता है, तो उस इन चीज़ों से भी बचाता है। और दूसरा जो आपके मूवमेंट आते हैं, जो बिल्डिंग्स में मूवमेंट आते हैं, जैसे अर्थक्वेक का मूवमेंट आ गया, बीच बीच में ऐसे झटके लगते हैं जिसके कारण कि आपका बिल्डिंग में पूरा मूवमेंट आने लगता है, वाइब्रेशन होता है, तो उस बिल्डिंग की अगर मैं पूरा का पूरा एक बार लेंथ ले लूं और उसी लेंथ को लेके मैं पूरा का पूरा कास्ट कर दूं, अगर उसमें मूवमेंट आता है कहीं पे तो क्या होगा ना, आपके बिल्डिंग में क्रैक्स होने के चांसेस एकदम बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप इस तरीके से पूरा का पूरा बिल्डिंग में थ्रू आउट में अगर आप एक्सपेंशन ज्वाइंट करते हो ना, तो इन चीज़ों से भी जो आपके वाइब्रेशन पैदा होने वाले होते हैं, जो वाइब्रेशन होते हैं जिसके कारण से आपके टोटल लंबी वाली बिल्डिंग में जो आपकी लेंथ होती है उसमें आपको इफेक्ट डालता है, उन इफेक्ट से भी बचाता है। तो मेनली यही काम होता है एक्सपांशन जॉइंट का कि आपको एक्सपांशन से होने का कारण जो भी हमारे क्रैक्स
डेवलप होते हैं उन क्रैक्स को बचाता है। तो ये आईएस कोड ने बताया कि 45 मीटर से अगर ज़्यादा मेरा लेंथ हो रहा होगा किसी भी बिल्डिंग का थ्रू आउट, तो उसमें हमको प्रोवाइड करना ही करना है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें एक्सपांसन के बारे में बात किया था। तो ऐसे ही टेक्निकल स्किल्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।